हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सेंटेंशियल ऑनलाइन क्लासेस। वी ऑल आर वर्किंग फ्रॉम होम। स्टूडेंट, इन लास्ट वीडियो वी वर फाइंड द कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा एंड सेकेंडरी मिनिमा इन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रॉम चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स। इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बट बिफोर इट वी विल नोट सम की पॉइंट्स विच इज हेल्पफुल फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल। सो लेट्स स्टूडेंट, we know that for nth secondary minima, for nth secondary minima, a sine theta n dash equal to n lambda, theta n dash indicate the angular position of nth secondary minima. For small angle sine theta approximate equal to theta. So a theta n dash equal to n lambda, it means angular position of nth secondary minima is equal to n lambda upon a. Student, for first secondary minima, for first secondary minima, angular position theta 1 dash equal to lambda by a. Similarly, for secondary minimum, theta 2 dash equal to 2 lambda upon a, and so on. For nth secondary minimum, theta n dash equal to n lambda by a. Student, remind that theta क्या था? Theta angle of diffraction उन सभी rays के set का था जो कि किसी angle पे diffract हो रहा था. It means अगर set of rays lambda by a angle से diffract हो रहा हो तो P point पे कौन सा fringe form होगा? डार्क फ्रिंज फॉर्म होगा और फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा का फॉर्मेशन होगा. अगर सेट ऑफ रेज 2 लैम्डा बाय ए, एंगुलर पोजीशन 2 लैम्डा बाय ए से डिफ्रैक्ट हो जाता है तो स्क्रीन पे सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा फॉर्म होगा. और अगर सेट ऑफ रेज एन लैम्डा बाय ए, किसी वैल्यू एन लैम्डा बाय ए से डिफ्रैक्ट हो जाता है तो स्क्रीन पे nth सेकेंडरी मिनिमा फॉर्म होगा. सिमिलरली स्टूडेंट, अगर हम सेकेंडरी मैक्सिमा का एंगुलर पोजीशन फाइंड करें तो वी नो डैट फोर एनथ सेकेंडरी मैक्सिमा, एनथ सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन होता है बच्चों? ए साइन थीटा, एन यूज कर रहे हैं सफिक्स में, विच इंडिकेट द एनथ एंगुलर पोजीशन ऑफ एनथ सेकेंडरी मैक्सिमा. a sin theta n equal to 2n plus 1 lambda by 2. For small angle sin theta approximate equal to theta. So a into theta n equal to 2n plus 1 lambda by 2. By solving we get theta n equal to 2n plus 1 lambda by 2a. This is the angular position of nth secondary maxima. So for first secondary maxima, first secondary maxima के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? Theta 1 equal to 2 into 1 plus 1 lambda by 2a. It means 3 lambda by 2a.
और सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा टू इक्वल टू टू इंटू टू प्लस वन लैम्डा बाय टू ए, इट इज इक्वल टू फाइव लैम्डा बाय टू ए। सिमिलरली फोर एनथ सेकेंडरी मैक्सिमा, एनथ सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, एंगुलर पोजीशन थीटा एन इक्वल टू टू एन प्लस वन लैम्डा बाय टू ए। स्टूडेंट अगर हम ध्यान से देखें तो स्क्रीन के सेंटर पे एट एक्स इक्वल टू जीरो सेंट्रल मैक्सिमा फॉर्म होता है, सेंट्रल मैक्सिमा। आफ्टर दैट सेंटर मैक्सिमा के बाद क्या आएगा, फर्स्ट मैक्सिमा आएगा या फर्स्ट मिनिमा आएगा, तो ध्यान से देखें तो एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा इज लैम्डा बाय ए, व्हाइल एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा इज थ्री लैम्डा बाय ए। इट मींस सेंटर के जस्ट बाद क्या फॉर्म होगा, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा फॉर्म होगा, दैट इज एट थीटा इक्वल टू लैम्डा बाय ए क्या फॉर्म होगा, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। अब फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के बाद क्या फॉर्म होगा देखते हैं बच्चों, तो सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा के लिए एंगुलर पोजीशन कितना होना चाहिए, टू लैम्डा बाय ए, और फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए एंगुलर पोजीशन क्या होना चाहिए, थ्री लैम्डा बाय ए। तो ध्यान से देखे तो लैम्डा बाय ए और टू लैम्डा बाय ए के बीच में लाई करेगा थ्री लैम्डा बाय ए, इट मीन्स फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के बाद क्या फॉर्म होगा, थीटा इक्वल टू थ्री लैम्डा बाय टू ए पे फॉर्म होगा फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। फिर एट थीटा इक्वल टू टू लैम्डा बाय ए क्या फॉर्म होगा, सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा। सिमिलरली बच्चों एट थीटा इक्वल टू फाइव लैम्डा बाय टू ए पे क्या फॉर्म होगा, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा। एंड एट थीटा इक्वल टू थ्री लैम्डा पे क्या फॉर्म हो जाएगा, थर्ड सेकेंडरी मिनिमा एंड सो ऑन। नाउ स्टूडेंट वी विल प्लॉट द एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा एंड सेकेंडरी मिनिमा ऑन द स्क्रीन अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट। दिस इज अ स्लिट, and here is the screen. Placed at a distance of capital D from slit. Width of slit is small a. Now friend, we know that at theta equal to zero, we obtain central maxima. It means at this position of the screen we obtain central maxima, and we know that central maxima has maximum intensity. Now at theta equal to lambda by a, after central maxima we obtain first secondary minima at angular position or at diffracted angle lambda by a. So if we draw this is the theta 1 dash which is equal to lambda by a, and here we obtain first secondary minima. Student जैसे स्क्रीन के अपवर्ड डायरेक्शन में थीटा इक्वल टू लैम्डा बाय ए पे फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा फॉर्म हुआ है, ऐसे ही स्क्रीन के सेंटर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में और स्क्रीन के बॉटम में भी थीटा इक्वल टू लैम्डा बाय ए पे क्या फॉर्म होने वाला है, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा फॉर्म होने वाला है अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिसिटी। थीटा वन डैश इक्वल टू लैम्डा बाय ए तो स्क्रीन के सेंटर से इस पोजीशन पे क्या फॉर्म होने वाला है, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा।
इट मींस यहाँ इंटेंसिटी जीरो होने वाली है, यहाँ भी इंटेंसिटी जीरो होने वाली है और सेंटर ऑफ इंटेंसिटी मैक्सिमम होने वाली है। मान लो सेंटर पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, ये आई नॉट। ना फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के बाद क्या आएगा बच्चों? फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा थीटा इक्वल टू 3 लैम्डा बाय ए पे। सो प्लॉट द एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। सो दिस इज एंगल थीटा 1 इक्वल टू लैम्डा 3 लैम्डा बाय 2a। और यहाँ इस पोजीशन पे क्या फॉर्म होने वाला है बच्चों? फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, यानी यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी मगर सेंटर मैक्सिमम से कम होगी। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम। सिमिलरली ऑन द बॉटम ऑफ द स्क्रीन एट थीटा इक्वल टू 3 lambda by 2a, we obtain first secondary maximum. Now friend, first secondary maxima के बाद क्या form होगा? Second secondary minima, theta equal to 2 lambda by a p. So draw second secondary minima which placed at theta equal to 2 lambda by a. यहाँ क्या फॉर्म होगा बच्चों? Second secondary minima, यानी यहाँ भी intensity कितनी होने वाली है? Zero होने वाली है। Similarly towards the bottom of the screen at angular position theta equal to 2 lambda by a, we obtain second secondary minimum. So now plot a curve at point C, intensity is maximum. At this point, intensity is zero. At that point, intensity is maximum, but less than central maximum. Here, intensity is zero. Here also intensity zero. Here intensity maximum, but less than central maximum. Here intensity zero. अगर हम इन कर्व को आपस में मैच करें तो इस टाइप का एक पैटर्न फॉर्म होगा। स्टूडेंट, इट इज ऑल्सो नोन एज intensity distribution curve for diffraction of light. Student, it is clear from this diagram the angular width of central maximum is 2 times lambda by a, because lambda by a, theta equal to lambda by a is the angular width up to that position and lambda by a up to that position. So total angular width of central maxima is 2 theta 1 dash which is equal to 2 lambda by a. So we can say that angular position or angular width of central maxima is equal to 2 theta 1 dash which is equal to 2 lambda upon a. So central maxima ka angular width kya hoga bachcho? Central maxima ka angular width hoga 2 theta ya 2 lambda by a. Now student, agar hum
सेकेंडरी मैक्सिमा का एंगुलर विड्थ फाइंड करना चाहें तो कैसे फाइंड करेंगे? एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा का एंगुलर विड्थ किसके इक्वल होगा बच्चों? तो एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मिनिमा में अगर हम माइनस कर दे एंगुलर विड्थ ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, इट मींस सेकेंडरी मिनिमा का एंगुलर विड्थ व्हिच इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाय a में से अगर हम माइनस कर दे फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के एंगुलर विड्थ को व्हिच इज इक्वल टू लैम्डा बाय a, तो वी ऑब्टेन द एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा. तो एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा इज इक्वल टू थीटा टू डैश माइनस थीटा वन डैश, विच इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाय ए माइनस लैम्डा बाय ए. एक बार फिर से देख लो बच्चों, हमें कैलकुलेट करना है सेकेंडरी मैक्सिमा का एंगुलर विड्थ, इट मींस ये एंगल हमें फाइंड करना है. तो ये एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो यहाँ से यहाँ तक के एंगल में जो किसके इक्वल है 2 लैम्डा बाय ए के इक्वल है, अगर हम इस एंगल को माइनस कर दे तो क्या फॉर्म हो जाएगा? एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा फाइंड हो जाएगा, विच इज इक्वल टू थीटा 2 डैश माइनस थीटा 1 डैश 2 लैम्डा बाय ए माइनस लैम्डा बाय ए. इट मींस एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा इज इक्वल टू लैम्डा बाय ए. सो स्टूडेंट, इट इज क्लियर दैट एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा इज हाफ ऑफ एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा. सो नोट इट, एंगुलर हैंस एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा मैक्सिमा और मिनिमा इज हाफ ऑफ एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा. तो बच्चों सेंट्रल मैक्सिमा का एंगुलर विड्थ क्या होता है? 2 लैम्डा बाय ए होता है, और सेकेंडरी मैक्सिमा का एंगुलर विड्थ क्या होता है? लैम्डा बाय ए होता है. सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इन योर नोटबुक. नाउ स्टूडेंट, लेट्स फाइंड द लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इन डिफ्रैक्शन पैटर्न. कंसिडर दिस इज अ स्क्रीन एंड वी नो दैट at theta equal to lambda by a we form first secondary minima. Here also form first secondary minima and this is the central maxima. Now we will find the linear width, that is this distance. Consider this is x. So it is clear that linear width of central maxima is equal to 2x. अब हम क्या करेंगे? x की वैल्यू फाइंड करेंगे. Consider the distance between slit and screen is capital D. Now, from triangle ACB, अगर हम tan theta कैलकुलेट करें तो tan theta क्या हो जाएगा बच्चों? tan theta equal to इस ट्राइंगल में अगर हम tan थीटा कैलकुलेट करें, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो tan थीटा इक्वल टू x अपॉन d. फॉर स्मॉल एंगल tan थीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू थीटा, दैट इज थीटा इक्वल टू x अपॉन d एंड थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय a, सो लैम्डा बाय a इक्वल टू x अपॉन d
इट मीन्स x इक्वल टू लैम्डा d अपॉन a. स्टूडेंट इट इज ऑल्सो क्लियर दैट x इज द पोजिशन ऑफ लीनियर पोजिशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्क्रीन. तो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा का अगर लीनियर पोजिशन कैलकुलेट करना हो तो क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय a व्हिच इज इक्वल टू x. नाउ लीनियर विड्थ क्या हो जाएगा सेंटर मैक्सिमा के बच्चे, तो लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज इक्वल टू 2 लैम्डा d बाय a. स्टूडेंट एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा इज हाफ ऑफ एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, दैट्स व्हाई लीनियर विड्थ भी क्या होगा, इसका हाफ होगा. सो लीनियर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमम इज हाफ ऑफ लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, हाफ ऑफ लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा. सो लीनियर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाय ए. नाउ स्टूडेंट वी विल फाइंड द लीनियर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा एंड सेकेंडरी मिनिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा. सो लीनियर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा. तो बच्चों सबसे पहले सेकेंडरी मैक्सिमा का हम लीनियर पोजीशन फाइंड करते हैं. कंसीडर दिस इज अ स्क्रीन एंड हियर इज अ स्लिट. मान के चलते हैं बच्चों कि ये कोई nth सेकेंडरी मैक्सिमा है. जिसका लीनियर पोजीशन सेंटर से क्या है, xn. xn इज द लीनियर पोजीशन ऑफ nth सेकेंडरी मैक्सिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा. तो हम जानते हैं बच्चों nth सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए एंगुलर पोजीशन क्या होता है, थीटा n इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2a. और कंसीडर द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट इज कैपिटल डी. सो इट इज क्लियर फ्रॉम दिस ट्राइंगल टेन थीटा एन इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस एक्स एन अपॉन डी एंड फोर स्मॉल एंगल टेन थीटा एन अप्रोक्सीमेट इक्वल टू थीटा एन. So theta n equal to xn upon d. So xn equal to theta n into d. So xn equal to theta n, which is equal to 2n plus 1 lambda d bar 2a. So student, this is the linear position of nth secondary maxima from central maxima. Agar hum first सेकेंडरी मैक्सिमा का लीनियर पोजीशन कैलकुलेट करें तो पुट n इक्वल टू 1 फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा. फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा का लीनियर पोजीशन क्या हो जाएगा बच्चों, x1 इक्वल टू 3 लैम्डा d बाय 2a. सिमिलरली फॉर सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा put n equal to 2 so secondary maxima ka linear position kya ho jayega bachcho from central maxima se 5 lambda d by 2a and for third secondary maxima. थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए एंगुलर पोजीशन लीनियर पोजीशन क्या हो जाएगा बच्चों,
एक्स थ्री इक्वल टू सेवन लैम्डा डी बाय टू ए एंड सो ऑन फॉर एनथ सेकेंडरी मैक्सिमा, मैक्सिमा के लिए लीनियर पोजीशन क्या हो जाएगा, एक्स एन इक्वल टू टू एन प्लस वन लैम्डा डी बाय टू ए। बच्चों अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये कंडीशन इंटरफेरेंस में डार्क फॉर्मेशन के लिए हुआ करता था। पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज का पोजीशन था 2n plus 1 lambda d by 2d, where d is the separation between two slit। ये इस कंडीशन में ब्राइट और सेकेंडरी मैक्सिमा का कंडीशन है, nth सेकेंडरी मैक्सिमा का, where lambda is the wavelength, d is the distance between slit and screen, and a is the width of slit। Now we will find the linear position of secondary minima। So student, consider this is a linear position of nth secondary minima, which is at a distance of x and dash from central maxima। This is a slit. And we know that student, nth सेकेंडरी मिनिमा का एंगुलर पोजीशन क्या होता है, थीटा एन डैश इक्वल टू एन लैम्डा बाय ए। कंसीडर डी इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। सो फ्रॉम ट्राइंगल ए सी डी अगर हम tan थीटा n कैलकुलेट करें, tan थीटा n डैश, वेयर थीटा n डैश इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ nth सेकेंडरी मिनिमा, व्हिच इज इक्वल टू x n डैश अपॉन d। फॉर स्मॉल एंगल tan थीटा n अप्रोक्सीमेट इक्वल टू थीटा n, व्हिच इज इक्वल टू x n डैश अपॉन d। सो x n डैश इक्वल टू थीटा n डैश इनटू d, and put the value of theta n dash which is equal to n lambda by a। So x n dash equal to n lambda d upon a। This is the linear position of nth secondary minima from central maxima। So for first secondary minima, अगर हम फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा का लीनियर पोजीशन कैलकुलेट करना हो तो पुट n इक्वल टू 1, सो x1 डैश इक्वल टू लैम्डा डी बाय ए। सिमिलरली फॉर सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा, अगर सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा का लीनियर पोजीशन फाइंड करना हो तो पुट n इक्वल टू 2, so we get x2 dash equal to 2 lambda d upon a and so on for linear position of nth secondary minimum। nth secondary minima के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, xn dash equal to n lambda d upon a। So this is all about the mathematical analysis of single slit experiment।